सिला की पहाड़ी मदीना और जबल बनी उबैद के दरमियान वाक़े थी। मुसलमान उसके सामने मोर्चाबंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। वो जरा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज दौड़ा आ रहा था उसके पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह जानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेखीन के सिलसिले कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके, अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन सकें। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ्फुज के जो इंतजाम कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, ये तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बस्तियों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ईफों को पीछे की तरफ वाले किलों में भेज दिया है। खंदक पर नजर रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतजाम किया है उसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्ला हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिनमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ कहीं से भी तुम खंदक उबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी ज्यादा तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज्यादा तीर और बर्छियाँ बरसाएगी कि तुम लोग पीछे को भाग आने के सिवा कुछ न कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमान खंदक से बाहर आकर तुम पर शबखून मार कर वापस चले जाएं। अबू सुफियान ने पूछा, अब्दुल्लाह बिन अबी क्या कर रहा है? यहूदी जासूस ने कहा, ऐ कुरैश के सरदार, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्लाह बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान उसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं और हम उसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। उसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर उसने तुम्हारे हक में उन्हें धोखे दिए। अगर उहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर उसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मजहब का पैरोकार और वफादार न हो। और हय्यी बिन अख्तब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। उसे महासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा उसके जेर कमान था उसे उसने बड़े अच्छे तरीके से महासरे की तरतीब में कर दिया था। ये महासरा 22 रोज तक रहा। पहले 10 दिनों में ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि उन्हें मुसलमान अपने महासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे। खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमाया तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मौरख इब्ने हश्याम लिखता है कि उस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई जखीरा नहीं था, लोगों को रोजाना निसफ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकार दरपर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी न जान सका कि ये आवाज कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज सारे शहर में फैल गई। मोहम्मद हमें कैसी बुरी मौत मरवाने का बंदोबस्त कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि बहुत जल्द कैसर व किसरा के खजाने हमारे कदमों में पड़े होंगे, दूसरी तरफ हमने उसकी नबुवत का ये असर भी न देखा कि आसमान से हमारे लिए खुराक उतरे। लोगों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन वो गोश्त पोस्त के इंसान थे। वो पेट की आवाजों से मुतासर होने लगे। आखिर एक आवाज ने उन्हें पेट के भूत से आजादी दिला दी। क्या तुम खुदा से ये कहोगे कि हमने अपने पेट को खुदा से ज्यादा मुकद्दस जाना? ये एक राद की कड़क की तरह थी जो मदीना की गली कूचों में सुनाई देने लगी। आज खुदा को वो लोग अजीज होंगे जो अल्लाह के रसूल के साथ भूखे और प्यासे जाने देंगे। खुदा की कसम, इससे बड़ी बुजदली और बेगैरती मदीना वालों के लिए और क्या होगी कि हम अहले मक्का के कदमों में जा गिरें और कहें कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मौत से भी रूनमा हो सकते थे, लेकिन आपको एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं। न कोई इंसान आपके बाद नबुवत और रिसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा, इसलिए आप इन इंसानों के लिए ये मिसाल कायम कर रहे थे कि इंसान अपनी इन लाजवाल जिस्मानी और नफसियाती कुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने उन्हें अता की हैं, इस्तकलाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे
तो वो मौजज़ा नुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। महासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियां और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और उनमें ऐसा जोश पैदा हुआ कि उनमें बाज खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुजदली के ताने देते। वो 7 मार्च 627 ईस्वी का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि हई बिन अख्तब को बुलाओ। उसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में उसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्बो जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को यानी हुई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन दोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनू कुरैजा की बस्ती थी। उस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। उस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है। गुलाम ने कहा, हुई बिन अख्तब आया है। रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, उसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनू कुरैजा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे दो कबीले बनू किनका और बनू नुज़ैर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस माहदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने उन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनू कुरैजा था जिसने मुआहदे को बरकरार रखा और उसका एहतराम किया। मुसलमान जंगे खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। हुई बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहाँ से न हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो, काब बिन असद ने हुई से कहा। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहदा किया है उस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं। हुई बिन अख्तब ने कहा, होश में आ काब बिन असद, बनू कनका और बनू नुज़ैर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदा यहूदा की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा, फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम चाहते क्या हो, हुई, काब बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, हुई ने कहा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जम कर न लड़ना पड़े, बल्कि ज़र्ब लगाकर पीछे हटाओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को उबूर कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम न कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, काब बिन असद ने कहा। तुम मुसलमानों के कहर व गजब से वाकिफ हो, क्या बनू कैनका और बनू नुज़ैर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोच समझ कर तुम्हें मुआहदे की दावत दी है, हुई बिन अख्तब ने कहा। अगर मुसलमानों का कहर व गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा, काब बिन असद ने कहा। तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी, हुई ने कहा। या अपने तावुन की कीमत खुद बता दो, जो कहोगे जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे, तुम उसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था।
उसने जर्रो जवाहरात की लालच में आकर हुई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शब खून मारने वाले बनू कुरैसा के आदमी हैं। काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हुई तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ, मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हुई ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे, मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनू कुरैज़ा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। उसमें ये खूबी थी कि खुदा ने उसे आवाज पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लय में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। लड़की ने कहा, इस आवाज से मुझे महरूम न करो जो मुझे घर से निकाल लाई है। मुझे देखकर खामोश हो गए हो तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून न करो, तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फिराक में नगमा सरा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जलतरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में उसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। मैं बनू कुरैज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मजहब को दरमियान में न ला, यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल कर ले तो वो उसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का महासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। उसके पास तलवारें, खंजर और बच्चियों की अन्नियां तेज करवाने वालों का हुजूम लगा रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाई उसके पास आई। यहूदन ने कहा, तलवार तेज कराने के बहाने आई हूँ, आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी न मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है। यहूदन ने बताया, बाप ने हुई बिन अख्तब का नाम लिया है। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हुई के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हुई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान उस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। उस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। उसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। उसकी दिलचस्पियां साद के साथ थी। उसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक उस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हुई के कहने पर कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। उस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनू कुरैज़ा ने बनू कैनकाह और बनू नुज़ैर की तरह अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बनू कुरैज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। उसके फौरन बाद एक ऐसा वाकया हुआ कि जिससे तस्दीक हो गई कि बनू कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहिदा हुआ है। वाकया यूं हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के उन मकानों और छोटे छोटे कलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही कले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थी। एक रोज सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा कले की फसील पर घूम फिर रही थीं कि उन्होंने नीचे देखा, एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा उसे छुपकर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी कले के अंदर आने का कोई रास्ता या जरिया देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस वजह से भी इस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चा बंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे।
अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। कले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था, ये थे अरब के मशहूर शायर हसान बिन साबित। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने हसान रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। उन्होंने हसान रजी अल्लाह अन्हो से कहा, तुम जानते हो हसान, बनू कुरैज़ा ने दोस्ती का मुआहिदा तोड़ दिया है, ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबर मालूम होता है, बनू कुरैज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकाल कर पीछे लाने का यह तरीका कारामद होगा कि वो इन कलों पर हमला शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हसान, अल्लाह तुम्हारा निगेबान हो, इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हो तो उसे कत्ल कर दो, ख्याल रखना कि उसके हाथ में बर्छी है और उसके चूहे के अंदर तलवार भी होगी। हसान बिन साबित ने कहा, ए अजीम खातून, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ, अगर मुझ में जरा सी ताकत भी होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मौरख इब्ने हशाम और इब्ने कुतैबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह अन्हा खुद उस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी, लेकिन ये न देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए उनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गईं वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफिया रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई बाहर निकली और उस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकी जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने उसे ललकारा, कौन है तू। मशकूक आदमी ने बिदक कर पीछे देखा, अगर वो किसी गलत नीयत से ना आया होता तो उसका अंदाज कुछ और होता, मगर उसने बर्छी तान ली। हजरत सफिया ने उसका चेहरा देखा तो कोई शक न रहा कि वो यहूदी था और वो बनू कुरैज़ा का ही हो सकता था। उसे यकीन था कि वो एक औरत है, वो भी एक डंडे से मुसल्लह, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हजरत सफिया ने ललकार कर कहा, तुझ पर खुदा की लानत, क्या तू बनू कुरैज़ा का मुखबर नहीं है। यहूदी ने कहा, मोहम्मद की फूफी, यहाँ से चली जा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है। हाँ, मैं बनू कुरैज़ा का आदमी हूँ। वो बोली, फिर तू यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाएगा। यहूदी ने कहका लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी उससे ज्यादा तेजी से सफिया रजी अल्लाह अन्हा एक तरफ हो गई। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल न सका, वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को न रोक सका। सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी ताकत से उसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ लेकिन उसका सर डोलने लगा। हजरत सफिया ने उसे संभलने का मौका न दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा न रह सका, उसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर उसके घुटने जमीन से लगे। हजरत सफिया ने उसके सर पर जिससे खून बह रहा था एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया रजी अल्लाह अन्हा उसके सर पर ही डंडे मारती चली गई जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। हजरत सफिया ने उस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और उसका जिस्म बेहिस हो गया। हजरत सफिया कले में चली गईं। उन्होंने हसान बिन साबित से कहा, मैं वो काम कर आई हूँ जो तुम्हें करना था, अब जाओ और उस यहूदी के हथियार उठा लाओ और उसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं, चाहो तो ये माल गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपकी इस्मत और इफ्फत की हिफाजत करे। हसान रजी अल्लाह अन्हो ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माल गनीमत की जरूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूं। मौर्रखीन लिखते हैं कि ये खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपको परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहाँ तक पहुँच गई थी कि हर फर्द को उसकी असल जरूरत की सिर्फ एक चौथाई खुराक मिलती थी। रसूल अकरम ने खुदाए जुलजलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। उधर खंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी उस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक उबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्द मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था, मगर वहाँ लड़ाई इस नौयत की हो रही थी कि कुरैश के तीरंदाज खासी तादाद में खंदक के उस मकाम पर करीब आ जाते जहाँ मुसलमान मोर्चा बंद थे। ये सिला की पहाड़ी थी, तीरंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीरंदाजी करते,
कभी कुरैश का कोई तीरंदाज किसी और जगह गश्ती संतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का जैश फौरन पहुंच जाता। रात को मुसलमान खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते थे और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते।